हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की राजधानी पटना। तो चलिए चलते हैं। आज 3 हफ्ते होने को है और चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगा, लेकिन बीच में गैप हो ही जा रहा। बात ऐसी है कि इन दिनों हमारे यहाँ शादियों का सीजन चल रहा था और साथ में ही स्टूडियो सेटअप करने में बिजी था। बहुत कुछ अपग्रेड किया है मैंने अपने सेटअप में, तो एक सेटअप टूर वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, आप वेट कीजिए उसका। और इन्हीं सब चीज़ों में मैं बिजी था, इसी की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप वीडियो पे आए हैं तो ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे हम आपको, कुछ तो दिखाएंगे ही। तो चलिए देखते हैं। पिछले साल हम गए थे NIT घाट पटना। वहाँ पे कुछ यादें कैद किया था हमने अपने कैमरे में। उन यादों को अभी तक एडिट और अपलोड नहीं किया है। भले ही वो यादें हमारे लिए पुरानी हैं, लेकिन आपके लिए तो नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ उन यादों को आप तक। तो चलिए देखते हैं उन सारे पलों को। और जी हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जनाब, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ इस सफर में आप पटना। अभी समय हो रहा है सुबह के 4 और हम निकल चुके हैं NIT घाट की तरफ। 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंचेंगे। और मेरे लिए आज का सूर्योदय बहुत ही खास था। थोड़ी देर घाट पे समय बिताने के बाद हम चढ़ जाते हैं नाव पर गंगा नदी के दूसरे किनारे पे जाने के लिए। घाट के दूसरी तरफ से पटना शहर का ये खूबसूरत नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। गंगा नदी का ये लहराता हुआ पानी और ये खूबसूरत नीला आसमान अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहा था। और दूसरी तरफ ये हरे भरे खेत, उन पे पड़ती सूरज की रोशनी उनकी रंगों को और भी निखार रहा था। नदी के किनारे लगी इस नाव को देख के ख्याल आया, क्यों ना इस दृश्य को अपने स्केचबुक में उतार लिया जाए। फिर क्या था, अपने बैग से स्केचबुक निकाला और मैं शुरू हो गया। दस मिनट स्केचिंग करने के बाद हमने उतार लिया था इस दृश्य को और अब बारी थी हमें वापस अपने घर जाने की।
छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए।